गप वै हमनै तरिके से धनवा हो रामा सब नाम हिनामा रोप वै हमनै तरिके से धनवा हो रामा सब नाम हिनामा बीज उपचार करी फसल बढ़ब बीज उपचारी करी उपज बढ़ब बनाबै हम सफल किसान बाहुरामा। अपने सब हमरा गांव में आईली एकरा लेल हमरा बड़ा खुशी लगैए। अपने सबके हमर प्रणाम। नाम ललिता देवी है, गांव के नाम बसीपुर कटरमाला है, हम गांव के वीआरपी हती। ऐसे तो अपने सबके पता है कि हमर गांव सब्जी के खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम सब्जी के खेती ना अपने सबके धान के खेती और नया तरीका से कैसे होले से हम बतावे के लिए अली है। तो कुछ दीदी हतन जो हमरा साथे धान के खेती कैलन है, उनका सबके भी अपने मुँह से सुन लो। फिलहाल तो हम कमली देवी के खेत में बैठल हती। अच्छा तो हम ऐसा करे छी या अपने सब उनकर जुबान से ही सुन लो कि उनकर अनुभव की रह लई है। हमर नाम तो कमली देवी है। इनकी बार हम नए तरीका से खेदान रोप ली है। इनकी बार हम 10-10 इंची के दूरी पर एक एक गो बिचरा लगा ले छी। पहले तो सोचते रही है एगो बिचरा रोपब तो होता है कि ना। अखनी हमर बेटा रोपत रहे ना उस समय में हम तो बहुत गुस्सा भेलिए र। तखनी हम कहते रही कि एगो एगो रोपे से कथी होते, माथा पर हाथ कपार पटकत रहिए कि हमरा होता है कि ना। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया भेल है। देखिए एक पेड़ से कितने पेड़ दिले है, 35-36 गो पेड़ देखिए जड़ में कितने जड़ दिले है। देखे छाई एम की बार तो बाल खखरो नहीं भेल है। पहले तो हम रोपत रहिए जैसे तैसे एक बीता पर कनू एक ठूठू पर रोप दी रहिए तो 3-4-5 फुट कर रह जाते रहे। इतना बढ़िया खेती जो भेल है से कीड़ा छे कैसे भेल नहीं छी। हम 10-10 इंची पर दूरी पर रोपाई कलिए। एकरा बाद जब धान दुधिया समय रहे उस समय ध्यान धो के पानी दिलिए, खूब बड़का बड़का झुराट भेल। देखियो एक पेड़ के बाल छे कते छे। पहले तो हमरा खेत में तीन चार बोरा बहुत रहे, 2.5 कट्ठा खेत है। लेकिन एम की बार 6-7 बोरा जरूर होता है, खखरा न ये कारण धान बढ़ जाते। कमली देवी के तो अनुभव अपने सके पता हो ही गेल। अब चलू चले ले मालती देवी के घर। हे ललिता कहाँ जाला सुना था? आवे ले मालती देवी के घर से इनका सके मिला के। हमरे नाम है मालती देवी। हमू नए तरीका से हमकी धान रोपली है। तम की हमरा उपज ज्यादा भेल ख। पहले जैसे तैसे रोप देते रही, चारों ओर ऊपर रोप देती, एको बीता पर हो जाते रहे, कहूँ घन हो जाते रहे, कहूँ अलग हो जाते रहे। पहले चर गो रोप देते रहे, आम की एक गो रोप ली है, तब आम की दूरी दूरी पर रोप ली है, तब बिचरो कम लागल है, धियावस्था में पानी पटली है, तो खखरियो कम है। पहले हमरा 1.25 कट्ठा में 80 किलो होते रह लकड़ा, आम की हमरा 2 क्विंटल भेल, मतलब 2 गुना से हमरा ज्यादा भेल है। बहुत मुश्किल बात ना है, बहुत साधारण बात है, बस ध्यान देवे के है 8 से 10 इंच के दूरी पर रोपाई करे के। जब दूध भर जाए तो उसमें पानी पटावे के है, जैसे कि हम कैली है। की है रीना दीदी, धान के सफाई कर रही है? हाँ धान तो काट ले ली, अब सफाई कर रही है। अच्छा दीदी अपने ये धान के खेती जो नया तरीका से कैली है एक अनुभव थोड़ा बता दू। मतलब नाम है रीना देवी। ऐसे तो हम सब्जी के खेती करते रही, लेकिन इस बार वीआरपी दीदी बतायलन कि नया तरीका से धान के खेती करूँ, उससे ज्यादा उपज हो। तो हम सोच लिया कि काहे न एक बार नया तरीका से खेती करके देखिए लिए। अब हम बटैया खेती लेके धान के रोपाई कैली। बगल के किसान के तो कट्ठा में 50-60 किलो होलक, लेकिन हमरा तो 1 क्विंटल होलक, तो हम बहुत खुश हती। बाकी किसान से अलग बीज के उपचार कैली, 10-10 इंची पर एक गो बिछड़ा के रोपाई कैली। बाकी किसान जैसे तो पानी देवे के लिए, लेकिन दुधिया अवस्था में ध्यान दे के पानी भी देली, उससे तो धान में खखरी बहुत कम होल, दाना पुष्ट होल, बहुत खुश हती। हम किसान से का चाहले, यही ना चाहले कि उपज अच्छा हो। उपज अच्छा होता है तब ना हम से आगे विकास करवाई, तो बाल बच्चा के पढ़ाई अच्छा से। ये तरीका तो हमरा बहुत आसान लगल, कोई भारी ना है, अपना ही से कर सकलिए। अच्छा तो अपने से के हमरा गांव के किसान से मिल के कैसन लगल? उम्मीद है कि अच्छा ही लगल हो। अभी तक तो अपने 3 ही किसान से मिली है, ऐसा बहुत सारे किसान हतन
जे नया तरीका से धान के खेती कैलन है। उम्मीद है कि अपने सब भी फसल के उपज बढ़ावे ला चाहिए। देरी कौन बात की है, नया तरीका अपनाओ, उपज बढ़ाओ। ना बेचिए हम बेटी के पढ़बई, धाना बेचिए हम बेटी के पढ़बई, बेटी बनते हमार दरोगा बाहोरा, माँ आवे दस जिनवा रोपबै है।